हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसाम हैना डॉट कॉम। मेरा नाम है तृप्ति जैन। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप ट्विटर के जरिए हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं एंड ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे कोई भी लेक्चर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन मत लीजिए, सीधा डायरेक्ट जाइए हमारी साइट पर विजिट कीजिए जिसका नाम है www.asanhaina.com। वहाँ आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे सारे लेक्चर एक सीरीज में अवेलेबल होंगे। नाउ हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में, हमारे टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने स्टडी किए थे, हमारे फोर टाइप के फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था कल्चर फैक्टर, उसको हम स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते क्या हैं, जो आप हर कंज्यूमर, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन क्या होता है, एक सोशल बीइंग है, एक सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे अपना बिहेव करता है, कैसा उसका इम्पैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सोशल बिहेवियर है वो देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की। यहाँ पे अगर हम रेफरेंस ग्रुप की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, रेफरेंस ग्रुप क्या है? अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। हमारी जो फैमिली होती है उसमें मेंबर्स होते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर एक फैमिली का मेंबर तो है ही, बट वो क्या है, अदर ग्रुप का मेंबर भी है। आप लगा लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है कोई, तो आपके फ्रेंड सर्कल में क्या है, आप एक मेंबर की तरह हैं, और आपकी फैमिली में क्या, आपका अलग रोल है एज अ मेंबर। तो हर एक पर्सन अपनी फैमिली में मेंबर होने के साथ साथ एक दूसरे ग्रुप का मेंबर भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस ग्रुप। जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा बंदे क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, किस लिए, ताकि वो एक कोई भी जो उनका कॉमन गोल है वो क्या कर सकें, अचीव कर सकें, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या करें, इस पर इम्पैक्ट डालें, ताकि जो भी आपका गोल है वो क्या कर सकें, आप अचीव कर सकें। तो ये तो हुए हमारे रेफरेंस ग्रुप। जो हमारे रेफरेंस ग्रुप हैं वो सब डिवाइड हुए हैं थ्री पार्ट्स में, एस्पिरेशन ग्रुप, डिस्क्लेमेंट ग्रुप एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पिरेशनल ग्रुप, मीन्स एक इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी एक पर्सन है, वो क्या है, किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है। लाइक, आप एक एग्जांपल लीजिए, आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाए, तो आप क्या है, चाह रहे हैं, आपकी एस्पिरेशन है, आपकी डिज़ायर है ये। अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो आपको क्या करना होगा, उस ग्रुप के जो भी एटीट्यूड है, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी बिलीव्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो यही सेम केस क्या है हमारे सोशल फैक्टर में, एस्पिरेशनल ग्रुप में है, कि आप किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ग्रुप की अगर मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्पिरेशनल ग्रुप, बाय अडॉप्टिंग हिज वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीव। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्लेमेंट ग्रुप। डिस्क्लेमेंट ग्रुप का मतलब क्या है, कि जिस इंडिविजुअल ने, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया है, जिस इंडिविजुअल ने कोई ग्रुप एज अ मेंबरशिप ज्वाइन किया है, बट उस ग्रुप की बैड इमेज होने के कारण, अच्छी इमेज ना होने के कारण सोसाइटी में, वो ग्रुप को क्या करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्लेमेंट ग्रुप। लाइक, आपने वो मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, आपको कुछ टाइम तक क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, 1 year 2 year, बट आफ्टर 1 or 2 year उस ग्रुप की इमेज, उस कंपनी की इमेज क्या हो गई, बैड हो गई, लोगों की नज़रों में गिरने लग गई, तो आप क्या बोलेंगे, कि जो आपकी इमेज है वो क्या हो रही है, बैड हो रही है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आप उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप, मीन्स आप को सबसे पहले क्या था, आप उसमें मेंबर बनना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या है, आप उस ग्रुप को छोड़ देना चाहते हैं,
और हमारा जो लास्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल, मीन्स आप किसी भी ग्रुप का मेंबरशिप लेने के लिए मेंबर बन चुके हैं, मीन्स एज अ मेंबर अपॉइंट हो चुके हैं। लाइक अगर आपको अपनी फैमिली फ्रेंड या किसी सोशल ग्रुप का मेंबर बनना है तो आप उसका मेंबर बन चुके हैं। अगर आप शॉपिंग ग्रुप में एज अ मतलब कंज्यूमर की तरह एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मेंबर बन चुके हैं। तो जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप है ये क्या बताता है, आपको मेंबरशिप मिल जाना किसी भी ग्रुप में। तो ये हुआ हमारा रेफरेंस ग्रुप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्लीज़ आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें बताइए ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर चुके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली। फैमिली देखिए, आप क्या अपनी फैमिली में एक मेंबर की तरह है, तो कोई भी इंडिविजुअल हुआ उसकी फैमिली, उसकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी फैमिली से जहाँ पे उसने जन्म लिया है, ही एंड शी आप कोई भी बोल सकते हैं। तो किसी भी पर्सन की जो लाइफ है वो उसकी फैमिली से ही स्टार्ट होती है। तो जो हमारी फैमिली है वो क्या है, दो तरह की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं, आपके हर तरह के मतलब आपके दादा दादी होते हैं, आपके अंकल होते हैं, आपके आंटी होती हैं, आपके कजिन्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल फैमिली, उसमें आप होते हैं, आपके पापा मदर ब्रदर सिस्टर ये होते हैं। तो जो आपकी जॉइंट फैमिली है और जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या होगा, आपकी डिमांड, आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी फैमिली जॉइंट है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत होगी, तो आपका जो कंज्यूमर का बिहेवियर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि मेंबर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी फैमिली न्यूक्लियर है तो आपको प्रोडक्ट भी कम चाहिएंगे और आपका बिहेवियर क्या होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली हो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है। तो फैमिली में जो हमारा सोशल फैक्टर वो ये बताता है कि फैमिली के अकॉर्डिंग आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं एज अ न्यूक्लियर फैमिली और एज अ जॉइंट फैमिली। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल एंड स्टेटस, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का क्या है, अलग अलग रोल होता है। वो क्या होता है, आप ले लीजिए, आप किसी के फादर हैं, आप किसी के हस्बैंड हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के ब्रदर हैं, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के आप मैनेजर हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग रोल को प्ले कर रहे हैं एज अ फादर ब्रदर मदर सॉरी एज अ फादर ब्रदर हस्बैंड और एज अ मैनेजर। तो ये क्या आपका रोल है, आपका स्टेटस है। तो रोल और स्टेटस के अकॉर्डिंग आप अपने जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको आप कैसे स्टडी करते हैं, मीन्स जो आपका रोल है आप क्या चाहते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। तो जो आपके मार्केटर्स होंगे, जो आपके प्रोड्यूसर होंगे, वो भी आपके रोल के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे, आपके प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक अगर मान लीजिए आप जज हैं किसी कोर्ट में, या फिर आप लॉयर हैं कोई प्रोफेशनल फील्ड में आप, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने आपको ड्रेसअप करेंगे, वही आपका रोल होगा, वही आपका स्टेटस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियर होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। तो जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पे क्या होता है, आप अपने डेली के रूटीन के हिसाब से कैसे स्टेटस आपका, आप एज अ प्रोफेशनल आपका कैसा स्टेटस है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए ताकि आपकी प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व आउट हो सके। थैंक यू वेरी मच।